ये पैसे गिनियो। क्या हो गया, कम है क्या? ये तो ज्यादा है। हाँ पर ये ज्यादा कैसे हो गए? शायद चिराग ने ज्यादा दे दिए होंगे। अरे नहीं नहीं यार, उसने तो 10,000 ही दिए थे। मैंने 4 बार गिने हैं, फिर तेरे को दिए। कल मैं कहाँ गया था? कहीं मेरी जेब में तो एक्स्ट्रा नोट नहीं रह गया था? चल छोड़ ना, तेरे को क्या करना, ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं है ना, तू रख ले। चिरा, कल जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उसमें एक 500 का नोट एक्स्ट्रा है, गलती से तुमने तो नहीं दे दिया? नहीं तो। अच्छा तुम्हारा नहीं था वो? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, 500 रुपए ही तो हैं, मैं यहाँ कंप्यूटर के नीचे रख रहा हूँ, जिसके होंगे अगर याद आएंगे तो वो ले लेगा, नहीं तो अगले हफ्ते हम लोग इससे पार्टी कर लेंगे। हाँ सर ठीक है। चिराग बेटा, कल तू मुझसे 10,000 ले गया था ना, उसमें गलती से एक 500 का नोट एक्स्ट्रा चला गया था। हाँ मम्मी चला गया था, पर कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, कल मिल जाएंगे आपको। हाँ कल मिलते हैं। सर वो जो कल 500 रुपये की आप बात कर रहे थे ना, वो मेरे ही रह गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, उठा लो, ये रखिए ना तुम्हारे पास। हाँ सर वो मैं ले लेता हूँ। सर वैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। सर कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ऐसी ही बातों से पता लगता है कि इंसान कितना ईमानदार है। अगर यही पैसे मैंने किसी और को दे दिए होते ना, तो शायद मेरे को वापस नहीं मिलते। लेकिन मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि मैं आप जैसे ईमानदार लोगों के साथ काम करता हूँ। तेरे 500 रुपये हम मार भी लेते तो क्या हो जाता, कहीं हमारे 5,000 मर जाते। इसलिए कभी किसी के पैसे नहीं मानने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर आप में एक बहुत महंगा शौक है, ईमानदारी का। वैसे ही शौक सब में होना चाहिए।